दोस्तों इस घातक गेंदबाज को आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल करने हार्दिक पांडे ने रातों रात की बीसीसीआई से इमरजेंसी मीटिंग। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन है ये धाकड़ शानदार खिलाड़ी, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम आयरलैंड में इस सीरीज को जीत ले तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली गई थी और इस सीरीज में दोनों टीमों ने 2-2 की बराबरी कर ली थी और ऐसे में पांच और टी20 मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था और इस मुकाबले में बारिश के कारण यह मुकाबला रद्द हो गया। और ऐसे में भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है। यह सीरीज के लिए भारतीय टीम आयरलैंड का दौरा करेगी और ऐसे में वही दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया था और ऐसे में सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या को चुना गया है क्योंकि सीनियर खिलाड़ी इंग्लैंड का दौरा करेंगे। वहां पर भारतीय टीम को एक टेस्ट मैच, 3 20 और 3 वनडे मुकाबले खेलने। और ऐसे में वही दोस्तों आपको बता दें कि आयरलैंड सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या ने मोहसिन खान को टीम इंडिया में शामिल करने पर बीसीसीआई से मुद्दा छेड़ दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोहसिन खान ने आईपीएल 2022 में लखनऊ की तरफ से खेलते हुए अपनी शानदार गेंदबाजी का कहर बरपाया था और मोहसिन खान एक तेज गेंदबाज हैं और उनके पास बहुत सारे अलग-अलग वेरिएंट भी हैं। और अगर मोहसिन खान आयरलैंड सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो टीम इंडिया के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया में फिलहाल गेंदबाजी की कमी नजर आ रही है। अगर ऐसे में मोहसिन खान टीम इंडिया में एंट्री करते हैं तो जसप्रीत बुमराह मोहसिन खान की जोड़ी पूरे क्रिकेट जगत में कहर बरपा देगी। तो दोस्तों आप क्या राय है मोहसिन खान के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत